चुप रह बहन। वो जानता है इसको? अरे मैं सबको जानता हूँ यार, ये अकाउंट सर की बीवी है। सती सावित्री टच लगती है पर। एक घंटा सती सावित्री, बहुत बड़ी ठरकी है ये, बेचारे चिपर सर की लाइफ खराब कर दी इसने। एक्सपीरियंस लगता है। चिपर मैम वॉक के बहाने अर्ली मॉर्निंग भानु के साथ क्या कर रहा है? वेरी बैड। सुबह सुबह कार्डियो, वेरी गुड प्लान। नाम क्या है? पुलिस सहाय। 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी और पहले महीने की सैलरी 1500 रुपया मिलेगी और मंडे का ऑफ। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर। सर आज से ही शुरुआत कर दें? वो हमेशा रूम नंबर 201 ही लेता है, सामान रख दिया है। लाइनें ठीक से याद कर ले और ओवर एक्टिंग मत करियो। ओ अपने स्कूल की बेस्ट एक्टर थी मैं, तू मुझे मत सिखा। स्टेज पे खड़े होके दो पोनीटेल हिलाने को एक्टिंग नहीं कहते, और भानु को लपेटे में लेना है ना तो कॉन्सेंट्रेट कर, उसको थोड़ी भी भनक लग गई ना तो घुरप्रीत तो जाएगी और हम भी पिटेंगे। वाओ क्या हॉट लग रही है। मैं पैदा ही हॉट हुई थी। चल काम पे ध्यान दे तू। हाँ भानु चौक क्रॉस कर चुका, जल्दी कर ठीक है। ओके ओके चल चल, भानु आ रहा है। तू नहीं आई है? यस सर। रूम नंबर 201 चल। सर आप अकेले आए हैं या कोई है आपके साथ? आज तो किसी के साथ आया हूं, तू बोल तो कल अकेला आ जाऊं। हाँ सुबह 4 से 5 मैं फ्री होती हूँ। पर सर कितना लकी है भाई, घंटा लकी बेचारे, कैसे बीवी मिली है। टेंशन मत ले, कल के बाद छिब्बर मैम बदलने वाली है। पोपलू ये पैसे दे। भाई इससे कहते हैं प्लानिंग। मैं अब सूट सिलवाऊंगा वो वाला। चले वेटर लगेगा तू। थैंक यू सो मच। So much.
बीजी, काव्या जब से दिल्ली से आई है बड़ी बड़ी लगने लगी है ना। धूप में घूम घूम के टैन हो गई हूँ बस। मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये बगैर डिजाइनर लहंगे के लौट कैसे आई। भाई मैं तो बहुत अपसेट हूँ। क्यों बीजी? अरे समझा कर पुत्र, डिजाइनर लहंगा अंगद की दादी के सामने शान से शो ऑफ करने का मौका जो हाथ से छूट गया। बहुत ढूंढा बीजी, कुछ सूट ही नहीं किया। अरे बेबी, ये डिजाइनर चीजें शहर की लेडीज को ज्यादा सूट करती हैं। आपके लिए तो बंसी टेलर द बेस्ट। मैच देखा क्या? कौन सा मैच? बांग्लादेश केन्या। अच्छा जी, ये कौन देखता है भाई? मैं देखता हूँ ना। कैसा लगा सरप्राइज? पागल है तू? रुक, दी सोच दी है तुझे। मुझे देखकर खुश नहीं है क्या तू? मैं तो खुश हूँ। वीजी ने देख लिया तो क्या कर देगी? मार देगी ना मुझे। तू टेंशन क्यों ले रही है? तेरा टाइम टू टाइम तो हो ही जाएगा। तूने तो मंदिर ही फूंक दिया है। नई वाली सिलेरियो जो ला दी, बाबा ने कहा कि तू गुड है, गाड़ी भी और तू भी। प्लीज चले जाके देगी तो रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा ना। चल अब सेंटी मत हो। तो बस मुझे इतना बता दे कि तुझे देखकर खुश है या नहीं। बहुत खुश हूँ। चल जाके तेरे पापा से बात करते हैं। तेरा डील है क्या? मेरी शादी होने वाली है, पापा मार के गार्ड देंगे तुझे। यार कभी ना कभी उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना पड़ेगा ना। तू और तेरी फीलिंग्स को समेट और दिल्ली निकल। काव्या मैं जा रही। अरे काव्या फिर देगा तो मैं गोली। काव्या यार हाय भी नहीं बोला। अबे सही है ना, हाय नहीं बोला। अंबाला में मरने का शौक नहीं मुझे। ओए जी जी, मैं बता रहा था कि जब आप हमारे दुकान आई थी ना, वहाँ लकी ड्रॉ ऑफर चल रहा था शादी वाली दुल्हनों के लिए, और आप जीत गई मैम। वाह, अरे काव्या तू तो लकी हो गई। कितने लोगों में जीती? सर 150 लोगों में जीती है ये। हाँ अच्छी कहानी है पुत्र। ये जो ग्लास जिसमें तू शरबत पी रहा है, ये मकान जहां पे तू खड़ा है, ये बड़ी मेहनत की कमाई है। बहुत इज्जत कमाई है मैंने। तो जितना बेवकूफ तू मुझे समझ रहा है उतना मैं हूं नहीं। हंस क्यों रहा है? दर्द के मारे हंसी आ रही है भाई। छोटी तेरे को हंसी नहीं आ रही? भाई मेरा पिछवाड़ा जाम हो चुका है यार। साले ट्रक ड्राइवर हफ्ते टू को छोड़ दे यार। भाई हमटी पर तेरे से सो रहा है बड़ा सही आदमी यार। कम से कम दिल्ली तक लिफ्ट तो दे दी यार। कुछ खाने को भी दे देता ना, बड़ी भूख लग रही है। तंदूरी की बड़ी खुशबू आ रही है आंटी। एक सीरियल पाव बोलूं मैं।